हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं गुड इवनिंग बोल रहा हूँ क्योंकि हर वीडियो में मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, क्योंकि वीडियो शूट होता है सुबह और अपलोड होता है शाम को। तो शाम को अपलोड होगा, सभी सुनते हैं कि गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो ऐसा ही मेरे से एक क्वेश्चन किया गया था, तो मैं सोचा आज की गुड इवनिंग बोलूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आज फ्रेंड्स हम देखेंगे कि अगर हम अपने NPS अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं और NPS अकाउंट में जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों में से एक भी अगर हमारे पास उपलब्ध है, तो हम अपना पासवर्ड है वो कैसे रीसेट करें, कैसे वापस दूसरा नया पासवर्ड बनाएं। इसके अंदर दो तीन बातें खास तौर पे ध्यान रखने वाली बातें हैं जो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। अगर आप अपने पासवर्ड के प्रति श्योर नहीं है, मतलब आपको कन्फर्म पासवर्ड पता नहीं होता है, तो आप कृपया करके गलत पासवर्ड से लॉग इन ना करें। जहाँ पे 5 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, 5 बार अगर आप गलत पासवर्ड डालते हैं तो अकाउंट फ्रीज हो जाता है। लेकिन अगर आपके नेट में कोई प्रॉब्लम है, स्लो है नेट, तो क्या होता है कि आप 2-3 बार भी अगर गलत पासवर्ड डाल देते हैं तो भी आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो ऐसा आपको करना ही नहीं है बिल्कुल भी। और अगर बाई चांस आपका अकाउंट अगर फ्रीज हो जाता है, तो गवर्नमेंट वालों के लिए प्रोसेस थोड़ा अलग होता है और प्राइवेट जो ऑल सिटीजन मॉडल है उनके लिए प्रोसेस अलग होता है। तो एक बार कस्टमर केयर पे कॉल ज़रूर करें, उनसे पूछ लें, ताकि आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन है वो करना ना पड़े। वो कई बार होता है लिंक भेज देते हैं मेल पे, उससे आप रिसेट कर पाते हैं पासवर्ड। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, मैं मोबाइल से पासवर्ड है वो रिसेट करने वाला हूँ। इसमें क्रोम ब्राउजर में आप डेस्कटॉप साइट है वो ओपन करके और आप पासवर्ड रिसेट करें। कोशिश आपको मैं पूरा करके बताऊँगा। इसके अंदर अगर सीक्रेट क्वेश्चन है, दो वे होते हैं। एक तो आपका सीक्रेट क्वेश्चन से कर सकते हैं, दूसरा वे होता है आप अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे OTP इंस्टेंट रीसेट पासवर्ड। अब इंस्टेंट रीसेट पासवर्ड में भी ऑप्शन होता है कि आप अपने नोडल ऑफिस से करवाना चाहते हैं या फिर आप OTP से करना चाहते हैं, तो आप OTP से करें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और मोबाइल नंबर हमेशा आप अपना अपडेट रखें। इसके अंदर क्या है, चेंज की सुविधा होती है, तो मोबाइल नंबर चेंज कर लेवें। अगर आप चेंज अपना मोबाइल नंबर चेंज करने का सोच रहे हैं, तो पहले जो नया मोबाइल नंबर है वो जाके NPS में रीसेट करें, वो डालें, और उसके बाद आप पुराना नंबर छोड़ सकते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आगे वीडियो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देखिए। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। आप मोबाइल से चेंज करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके सामने, क्योंकि सभी के पास मोबाइल ज़्यादा उपलब्ध हैं। अब इसमें क्या करें, अभी आप किसी भी अकाउंट का पासवर्ड रीसेट करते हैं या चेंज करते हैं, तो आप डायरेक्ट गूगल में क्रोम ब्राउज़र के अंदर है वो URL बॉक्स होता है, उसके अंदर आप डायरेक्ट अपनी वेबसाइट डालें पूरी, और उससे फिर जो आगे खुलता है उसमें जाके आप पासवर्ड है वो चेंज करें, ना कि गूगल में सर्च करके, क्योंकि कई बार फर्जी वेबसाइट आपके सामने आ जाती है और आप वहाँ डिटेल्स डाल देते हैं तो उसका मिसयूज होने का ज़्यादा खतरा रहता है। अब यहाँ पे ऊपर आपको एड्रेस दिख रहा है वेबसाइट का, वो डालें डायरेक्ट, तो ये सेफ एड्रेस है, इसमें लॉक का सिस्टम आ रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पे रीसेट पासवर्ड आपको दिख, अब रीसेट के लिए मैं रीसेट पर क्लिक करता हूँ। अब इसमें आगे जो विंडो हमारी खुलती है, यह आप ध्यान दें, इसके अंदर रीसेट पासवर्ड यूजिंग सेलेक्ट सीक्रेट क्वेश्चंस और इंस्टेंट सेट या रीसेट पासवर्ड। तो आपको एक काम करना है, अगर आपने जो सीक्रेट क्वेश्चन अकाउंट ओपन करते टाइम चूज करे हैं, अगर आपको अच्छे से याद है, तो आप सीक्रेट क्वेश्चन से कर सकते हैं। सीक्रेट क्वेश्चन से करेंगे तो आपको OTP की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप इंस्टेंट मतलब हाथ के हाथ चेंज करना चाहते हैं, तो आप सबसे बेटर रहता है अगर आपके NPS अकाउंट के अंदर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो आपके पास है, तो इंस्टेंट सेट या रीसेट पासवर्ड पर क्लिक कर लें। इससे क्या है कि आपके मोबाइल नंबर के ऊपर OTP आएगा और उससे काम हो जाएगा। अब इसके अंदर नोडल ऑफिस का ऑप्शन है और जनरेट OTP, जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपके मोबाइल नंबर पर पासवर्ड OTP आएगा, उसको डाल के आप रीसेट कर पाएंगे। तो जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है। मैं डिटेल्स भर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने अपनी पूरी जो डिटेल है वो फिल कर ली है। इसके अंदर आपको पता है सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और SMS या ईमेल दोनों में से किस पे आप OTP मंगवाना चाहते हैं, और नया पासवर्ड, और नया पासवर्ड कन्फर्म दोबारा डालना है, और कैप्चा यहाँ पर आपको ऐड करके डाल देना है। इसके अंदर आप सबमिट करेंगे। अब आपने जैसे ही सबमिट किया, आपके मोबाइल नंबर पे, अगर आपने मोबाइल नंबर सेलेक्ट किया तो मोबाइल पे, और ईमेल सेलेक्ट किया तो ईमेल एड्रेस पे आपके OTP आएगा। ये काम आप वर्किंग होवर में ही करें, ये ध्यान दें।
वर्किंग आवर में काम करेंगे तो आपका ओटीपी आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है आपके मोबाइल पर ओटीपी नहीं आता है, और अगर आप कई बार ऐसा कर चुके होते हैं तो वो जो मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड करने की जो लिमिट होती है वो एक्सीड हो जाती है, उसके बाद 7 दिन तक आपके मोबाइल पर ओटीपी नहीं आता है। तो आप कृपया करके वर्किंग डे में, वर्किंग आवर में ही ट्राई करें। अब जैसे मैंने ओटीपी डाल दिया अपना और मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, सिंपली मेरा जो अकाउंट है वो अब मैं क्लिक लॉगिन पे क्लिक करूँगा। तो इसके बाद अब एक्नॉलेजमेंट आपके पास नंबर आ गए हैं, सब कुछ डिटेल आ गई, उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप नए पासवर्ड से लॉगिन कर पाएंगे।